नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने जीवन में प्यार भरने का साधन, तुम्हें खूब प्रसन्न करने की व्यवस्था, तुम्हें सर्व संपन्न करने का एक ऐसा माध्यम जिससे तुम अपने आप में परिपूर्ण हो जाओ। आज मैं फिर से हाजिर हूं, आज मैं फिर आपको कुछ नई बात बताने और सिखाने के लिए हाजिर हूं। आज मैं बात कर रहा हूं तीन लौंग का महाचमत्कारी प्रयोग, तीन लौंग का वशीकरण, एक ऐसा वशीकरण, एक ऐसा महासम्मोहन जिससे आपके अपने जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन आ जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर जा चुका है, अगर कोई व्यक्ति आपसे 100% दूर हो चुका है, अगर आपका प्यार आपके हाथ से रेत की तरह निकल रहा है, अगर आपके प्यार में आ रही हैं किसी प्रकार की दिक्कतें, अगर आपके प्यार के बीच में घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार, नातेदार, अगर बगल वाले, दोस्त यार या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होकर के आपके प्यार को कर रहा है खराब, तो आज का दिन आपका है। आज हम तीन लौंग का वो चमत्कारी प्रयोग आपको बताने वाले हैं जिसको कभी भी खाली नहीं गया। ये रामबाण औषधि है, ये चलते ही काम करती है। 24 घंटे के अंदर आपके कार्य में एक नई गति, एक नई दिशा, एक नया मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आप इस कार्य को करते समय बहुत ध्यान से समझिएगा कि आप कहीं चूक ना कर जाएं और किसी गलत व्यक्ति पर प्रयोग ना करें, क्योंकि जिस पर भी करेंगे वो 100% आपका हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जब आपका प्यार आपके प्यार से मुकर रहा हो, जब आपका प्यार शादी करने के नाम पर भाग रहा हो, जब आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ संबंधों तक सीमित रह गया हो, विवाह तक नहीं जा पा रहा हो, संबंध से विवाह तक पहुंचने की जो गति है, जो रास्ता है, जो बीच का रास्ता, जो बीच की दूरी है, उसे कंप्लीट करने का साधन आज लेकर के हाजिर हूं, तीन लौंग का महाचमत्कारी वशीकरण। ये वशीकरण आपके अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देगा। ये महावशीकरण आपके अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा और आपके अपने जीवन में प्यार भरेगा। आपको चाहिए क्या, किससे प्यार करते हो, ऐसा कौन सा वो व्यक्ति है जो तुम्हें मिल नहीं सकता, ऐसा कौन सा प्यार है जिसे सफल नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कौन सा आपका रिलेशन है जिसे संपूर्णता से आपका बनाया नहीं जा सकता, जरा ध्यान से समझना। आज ध्यान देना इस बात का कि तुम्हारे जीवन में नया परिवर्तन आने की ओर तुम बढ़ रहे हो। प्यार एक एहसास है, प्यार एक खास वस्तु, और लौंग की बात इसमें इसलिए खास हो जाती है क्योंकि तंत्र मंत्र में इसको महाचमत्कारी औषधि मानते हैं। लौंग खाली भी किसी को खिला दिया जाए, उसे कड़वी लगे या ना लगे, दोनों ही एक इंडिकेशन है। खाली लौंग खाने पर जिसको कड़वी ना लगे उसके ऊपर प्रयोग किया जा चुका है, जिसे कड़वी लग रही हो उस पर प्रयोग नहीं है, यह समझने के लिए जाना जाता है। लौंग अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली औषधि है। लौंग एक ऐसी चमत्कारी वस्तु है, सामग्री है, जिसका प्रयोग तंत्र मंत्र, यंत्र, पूजा पाठ सब जगह बहुत एकाकी रूप में किया जाता है। तंत्र में इसका नाम सर्वोच्च औषधि कहा जाता है। आज आपके सामने हाजिर है तीन लौंग का वो महाप्रयोग जिससे आपके जीवन में रिलेशनशिप से संबंधित कोई भी समस्या नहीं रहेगी। जिसको आप अपने वश में करना चाहते हो, घर वालों को, परिवार वालों को, अपने लवर को, लवर के किसी व्यक्ति को, जिसको भी आप चाहते हो कि वो वश में हो जाए और वो रेडी हो जाए, वो राजी हो जाए, तो बस आज आपका ये काम तीन लौंग कर देंगे। तीन लौंग का ये महाप्रयोग आपके अपने जीवन को एक तरीके से पूरा 90 डिग्री चेंज कर देगा। ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हजारों लाखों बार प्रयोग किया गया उपाय आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हजारों सालों का रिसर्च है ये, कई हजार सालों से लोग लगातार कंटिन्यूटी में इस कार्य को कर चुके हैं। अब तुम्हारी बारी है, सत्य मानना, यकीन मानना कि ये उपाय त्वरित काम करता है। बस तरीका आना चाहिए, ढंग आना चाहिए, वो विधि आपको पता होनी चाहिए जैसे इसको करना है। अब उस विधि पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपको इसके लिए सामग्री चाहिए होगा, जो जो वो ध्यान से समझ लीजिए। आपको इसके लिए चाहिए सिंदूर, इसके लिए चाहिए कपूर, इसके लिए चाहिए एक चाकू, इसके लिए चाहिए माचिस, थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी हल्दी, और सातवीं महत्वपूर्ण सामग्री जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसकी तस्वीर, और थोड़ा सा कलावा।
इन सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग करके आप किसी को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं, अपना वश में कर सकते हैं और उससे अपना मन चाहा काम करवा सकते हैं। तो करना सिर्फ इतना होगा कि आपको 3 लौंग एक सिंदूरदानी के अंदर रख देना है कुछ घंटों के लिए, और जितनी देर वो उसमें रहेगी उस सिंदूरदानी को अपने बाएं हाथ पर रख के दाहिने हाथ से ढकते हुए एक मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र बहुत सहज है, बहुत सरल है, लेकिन ध्यान से करना। ओम बम सर्वम वशमय मोहिन्यै रुद्रम स्वाहा। ऐसा बोलते समय बीच में कोशिश करिएगा जिसको आप चाह रहे हैं, जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसका नाम बीच में जब भी अपने मन में स्मरण करिएगा। इस मंत्र को बोलते बोलते इस मंत्र को याद कर लीजिए। अगर ये मंत्र आपको बहुत क्लिष्ट और बहुत कठिन लग रहा हो तो दूसरा मंत्र आपको सहजता और सरलता वाला बता देता हूं, जिससे आप पूरी तरह से अपने वश में कर सकते हैं किसी को भी। ओम या देवी सर्वमोहिनी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ओम या देवी सर्वमोहिन्यै रुद्र सपत्नी क्षमस्यताम्। या देवी सर्वमोहिन्यै रुद्र पत्नी क्षमस्यताम्। मम अमुख व्यक्ति वशस्यम भवम स्वाहा। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, इस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं, इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं। इसको जितनी ज्यादा बार आप ऐसा रख करके बोलेंगे उतना ज्यादा ये प्रभाव बढ़ेगा। अगर कदाचित आप कोई मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं तो एक और तरीका है कि लौंग के साथ साथ आप भृंगराज की जड़ रख दें। भृंगराज पौधा मुश्किल से थोड़ा मिलता है पर असंभव नहीं है। भृंगराज का पौधा अपने आप में सिद्ध होता है, जो लौंग की चमत्कारी ताकत को और बढ़ा देता है। तो आप उसको अगर साथ रखते हैं तो बहुत ज्यादा मंत्र बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटा बीज मंत्र है, उसको भी आप नोट कर लें। ओम खम मोहिन्यै नमः, ओम खम मोहिन्यै नमः, ओम खम मोहिन्यै नमः। इसको भी आप उच्चारण कर सकते हो। खम मतलब होता है खींचना, आकर्षण, मोहिनी वशिम वश्य करने की चीजें, है ना, वो ताकत बढ़ जाएगी। अब आपको पहले इसको उच्चारण करके पूरी तरह से अभिमंत्रित कर लेना है, उसके बाद लौंग को बाहर निकाल के अपनी गदेली के ऊपर रखना है। थोड़ी सी उस पे हल्दी डालनी है, थोड़ा सा शहद की टिकिया लगानी है दोनों तीनों लौंगों पे, 1, 2, 3 ऐसे करके, और महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती महाविष्णु महारुद्र और महाब्रह्मा का स्वरूप मानना है इन तीनों को, वैसे ही इनकी पूजा करनी है। तीनों पर चाकू की नोक से थोड़ा थोड़ा टच करना है। क्षमस्वताम ऐसा बोल रहा है, और इन तीनों लोगों को किसी भी नीचे पात्र में रख के कपूर रख करके इसको जला देना है। इसकी जो राख बनकर तैयार होगी वो काम में आएगी आपके। उसके पहले इन तीनों की तीनों लोगों को खूब अच्छी तरीके से बांध देना उस कलावे के साथ, फिर जलाइएगा। लेकिन राख आपको लौंग वाली ही उठानी है। लौंग के साथ एक खास बात है, जलने के बाद भी बिखरती नहीं है, आप आराम से उठा पाएंगे, निश्चिंत होकर के समझ लीजिए इस बात को। इस राख को आप जिस भी व्यक्ति को खिलाएंगे या उसकी रास्ते में डाल देंगे या उसके सर में डाल देंगे, वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। बस इस काम को करने के लिए अमावस्या, पूर्णिमा या कोई भी रिक्ता तिथि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, या होली या दीपावली, या कोई भी ऐसी रिक्ता तिथि, महीने में 2 से 3 बार रिक्ता तिथियां आती हैं, उनमें आप ये प्रयोग कर सकते हैं।
तो इस प्रयोग को बहुत सावधानी से, बहुत ढंग से, बहुत तरीके से, बहुत विधि विधान के साथ कीजिएगा ताकि आपके अपने जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाए। देखो एक बात चलते चलते बता दूं, उपाय और सोल्यूशन कोई भी तभी आपको फलीभूत होते हैं जब आपकी उसके प्रति श्रद्धा हो और आप अज्ञानी होकर के काम करें। जब आप बहुत अतिशय ज्ञानी बनते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मंत्रों के लिए तो मैं सुबह से शाम तक बोल सकता हूँ, सहस्राक्षः सहस्रपात सभो विकुंग, हम बोलते रहेंगे पूरा दिन। दिन रात में मंत्र बोल सकता हूँ। मैं पहला ऐसा ज्योतिषी हूँ जो वैदिक मंत्रों के साथ संस्कृत भी उतनी ही अच्छी उच्चारण कर सकता हूँ जो बड़े ज्ञानी और बहुत मंत्र के लोग करते होंगे। मैं पहला ज्योतिषी हूँ दुनिया का, वरना लोग सिर्फ सामान्य चीजें जानते हैं, ग्रहों के साथ साथ मंत्र नहीं जानते। मैं मंत्रज्ञ भी हूं, तो ये आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। श्रद्धा और विश्वास जब आपकी निरंतरता में होगी तो वो कार्य की गति बढ़ जाती है, उसमें ताकत ज्यादा बढ़ जाती है। जब किसी गुरु का आदेश हो साथ में, जब गुरु की कृपा हो साथ में, जब गुरु का सानिध्य हो साथ में, तो उस प्रयोग की गति और उसकी ताकत, उसकी क्षमता, उसका बल बहुत पर्याप्त मात्रा में बढ़ जाता है। और यही कोई साधक करे, कोई सिद्ध करे, तो और भी ज्यादा बल आता है इसमें। ये सेम काम अगर शमशान में जाके किया जाए, ध्यान से, कोई स्त्री नहीं करेगी इसको, बड़े ध्यान से समझिएगा, शमशान में जाके किया जाए तो और ज्यादा बल बढ़ जाता है। इसी को किसी सिद्ध भूमि में जाकर के किया जाए, जैसे किसी सिद्ध मंदिर में, तो बहुत बल बढ़ जाता है। किसी सिद्ध स्थान में, किसी तपस्थली में जाकर के किया जाए तो इसका बल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत ध्यान से समझना, लौंग वो चमत्कारी वस्तु है जिसका प्रयोग बिना मंत्रों के भी बहुत पावरफुल होता है। अगली बार मैं फिर हाजिर होऊंगा। लौंग के ऊपर इतनी सारी चीजें बताई जा सकती हैं जिस पर अभी समझ जाइए 0.1% भी बात नहीं हुई है। लौंग पर फिर हम बात करेंगे। लौंग को लेकर के अगली बार हम कुछ और महत्वपूर्ण खुलासे करेंगे। अगली बार बिना मंत्र के, बिना किसी प्रयोग के लौंग को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है जिससे आपके प्यार में 4 चांद लग जाएं, उस पर हम बात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखना, भ्रमित मत होना। बहुत लोगों को देखने से अच्छा कोई अच्छी चीज देखनी शुरू करिए, आपका जीवन बन जाएगा, आप बहुत खुशहाल हो जाओगे और आप बहुत अच्छे हो जाओगे। ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत आशीष, बहुत आशीर्वचन, बहुत शुभ रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, आनंदित रहो, तुमसे बेहतर कोई ना हो पाए, ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद।